साहित्य और सिनेमा जगत से एक बुरी खबर आई है। उर्दू साहित्यकार, कवि और बॉलीवुड गीतकार राजेंद्र नाथ रहबर का निधन हो गया है। शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार, सप्तऋषि सम्मान स्पीक मै के डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता रहबर ने बीती देर शाम दिल्ली में अंतिम सांस ली। वह पिछले एक महीने से बीमार चल रहे थे। पठानकोट में शायरी की पौध लगाने वाले रहबर के निधन की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। राजेंद्र नाथ रहबर के लिखे गीत, नज्म और गज़लों को कई बॉलीवुड फिल्मों में गाया जा चुका है। गज़ल गायक जगजीत सिंह, अनुराधा पौडवाल, रूप कुमार राठौर, गज़ल श्रीनिवास और संजय वत्सली ने उनके लिखे शब्दों को आवाज़ दी है। रहबर की लिखी नज्म, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, को दुनिया भर में सराहना मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस नज्म पर पत्र लिखकर रहबर की सराहना की थी। इसके अलावा आईना सामने रखोगे तो याद आऊंगा से भी रहबर को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। राजेंद्र नाथ रहबर का जन्म शंकरगढ़ पंजाब, जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। विभाजन के बाद पठानकोट चले आए थे और यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। कवि सम्मेलनों और मुशायरों के वो जान हुआ करते थे। राजेंद्र नाथ रहबर ने 4 दशकों में 2000 से अधिक शो और कवि सम्मेलनों में प्रदर्शन किया था। दुनिया भर में उनके गीतों को पसंद किया गया। उर्दू के इस मकबूल शायर के निधन पर न्यू इंडिया हेराल्ड परिवार की तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।